हेलो एवरीवन, नूतन स्वर्डियम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है। फ्रेंड, यदि आपकी हड्डियों में कमजोरी आ गई है, जॉइंट में ग्रीस की कमी हो गई है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, घुटने का दर्द रहता है, मांसपेशियों का दर्द रहता है, बदन में अकड़न और जकड़न बनी रहती है, साथ ही साथ गले में यदि खराश होती है, या फिर उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी यदि आपकी घुटने की हड्डियाँ टकराती है और या फिर उससे कटकट की आवाज़ें आती है, तो ये सभी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही आसान सी आज मैं नुस्खा लेके आई हूँ, जिससे आपकी सभी तरह की हड्डियों की बीमारियाँ ठीक होने लगेगी। आपको इसका नियमित रूप से सेवन करना है। इसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि आपको कभी कोई बीमारियाँ छू नहीं सकती है। तो जिससे यदि आप इसका सेवन करते रहेंगे, आपको सुस्ती जैसी बीमारी नहीं आएगी, आपको कमजोरी फील नहीं होगी, थकान फील नहीं होगी। इसके पीने के बाद आप दिन भर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, चुस्ती फुर्ती से भरे हुए रहेंगे, यानी कि एनर्जी लेवल हाई रहेगा। और हड्डियों के लिए यानी कि वात रोग के लिए ये तो बहुत ही जबरदस्त और इसमें तीन इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, तीन सामग्री का यूज़ किया गया है, 5 से 7 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, किसी को भी आप इसे दे सकते हैं। ये नुस्खा सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसमें जो तीन इंग्रेडिएंट, तीन सामग्री का यूज़ किया गया है, वो आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। यदि आप खाने की चीज़ों को सही मात्रा में सही तरीक़ा से खाते हैं, तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा करती है। तो ये आयुर्वेदिक ड्रिंक सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है और हड्डियों के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि हड्डियों का दर्द आपको 100 साल की उम्र तक भी छू नहीं सकेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय मैं शेयर कर रही हूँ। इसे आपको कभी कभी ही पीते रहना है, मतलब 15 दिन पीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन पीजिए, हमेशा आपको इसे पीने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसे किस तरह से तैयार करना है और इसमें कितनी कितनी मात्रा में हमें इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है। तो पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई है। इसमें सबसे पहले आप आधा ग्लास या फिर एक बड़े कप से पानी ले लीजिए और इसे एक पैन में डाल दीजिए और हल्का गर्म हो जाने के बाद अब दूसरी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अदरक लेनी है और अदरक 1 से 1.5 इंच जितना आप यहाँ ले सकते हैं। अदरक के फायदे की बात की जाए तो ये डायबिटीज़ कंट्रोल करती है, हड्डियों के रोगों से आपको बचा के रखती है, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होती है और पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके सेवन से अर्थराइटिस में राहत मिलती है, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द से आपको राहत मिलती है, यानी हड्डियों के लिए रामबाण की तरह काम करती है। इसे आपको 1 से 1.5 इंच जितना ही ले लेना है। अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है हल्दी। कच्चा हल्दी काफ़ी फायदेमंद होती है, टर्मरिक भी कहा जाता है। ये आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करती है, शरीर से सभी विषैले पदार्थ को निकालती है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होती है, पाचन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करती है, गठिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। कच्चा हल्दी आपको सिर्फ यहाँ 1 इंच ही लेनी है और ये मैंने कूटने वाला में रख दिया। अदरक भी रख दिया है 1 से 1.5 इंच जितना और यहाँ पे 1 इंच जितना मैंने हल्दी भी रख दिया है, कच्चा हल्दी। अब जो अगली चीज़ लेनी है वो है काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर के नाम से जाना जाता है। काली मिर्च बहुत सारे औषधीय गुणों का भंडार होती है, बहुत सारे रोगों को ठीक करने का काम करती है। तो काली मिर्च भी यहाँ हमें सिर्फ 5 से 6 दाना ही लेनी है और ये काली मिर्च मैंने इस कूटनी में डाल दिया। तो इमाम दस्ता या फिर कूटनी, जिसमें भी आप इसे रख के अच्छे से कूट लें, हल्का दरदरा ही करना है, ज़्यादा इसे पूरी तरह से कूटना नहीं है, तो हल्का दरदरा ही आपको इसे कूट लेना है। देखिए, ये तीनों इंग्रेडिएंट जो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ये तीनों औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ये तीनों को जब एक साथ मिला के लिया जाता है तो ये ज़बरदस्त रूप से आपके शरीर में असर दिखाना शुरू करती है, आपके हड्डियों के दर्द को बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। चाहे जितना भी दर्द हो, आप इसका सेवन नियमित रूप से 15 दिन कीजिए और देखिए इसके ज़बरदस्त फायदे। तो ये मैंने यहाँ कूट के रेडी कर लिया है और इसे जो मैंने पानी उबलने के लिए रखा था उस पानी में इसे ऐड कर देना है और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से पानी में हमें कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से पकाना है, ताकि ये तीनों चीज़ का अर्क पानी में अच्छे से आ जाए, इस तीनों चीज़ का एरोमा इस पानी में अच्छे से आ जाए, जिससे कि ये अच्छी तरह से शरीर में जाके वर्क करे, यानी कि आपकी हड्डियों के दर्द को खींच के बाहर निकाल सकता है। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। तो सिर्फ 5 मिनट इसे अच्छे से पका ले और लो फ्लेम में इसे पकने दे 5 मिनट तक, उसके बाद इसका फ्लेम को ऑफ कर दे। अब इसे आप छान ले
और इसे आपको सिर्फ 15 दिन पीना है, फिर 15 दिन छोड़ के फिर उसके बाद 15 दिन पीना है। इस तरह से आप इसका सेवन कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, बदन में कहीं भी अकड़न जकड़न हो रही है, सभी तरह के दर्द को ये खींच के बाहर निकालने का ताकत रखती है और साथ ही ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बहुत सारे रोगों से आपको बचाने का काम करती है। गले में खराश की प्रॉब्लम है, गले में दर्द होती है तो वो भी ठीक होती है, गठिया जैसी समस्या को भी ये ठीक करने का ताकत रखती है। तो मुझे विश्वास है आप सबों के लिए ये चाय बहुत ही फायदेमंद होगी। बस आपको इसे सुबह सुबह खाली पेट पीजिए या फिर आप शाम के समय इसे, जब आप नाश्ते के समय, नाश्ते से आधा एक घंटा पहले आप इसे पी लीजिए, मतलब कि पेट हल्का खाली होना चाहिए। और ये चाय पीने के बाद कम से कम आपको आधा से एक घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी ये अच्छे से वर्क करती है। आप देखिएगा आपके हड्डियों, जोड़ों और घुटनों का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप 80 से 90 साल तक भी दौड़ लगाने का ताकत रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो मुझे विश्वास है आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिले।